और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे नेताओं में होड़ दिल्ली दौड़। देवभूमि उत्तराखंड में मॉनसून की भारी बारिश के बावजूद राज्य का सियासी पारा गरमाया हुआ है। दरअसल राज्य में आई आपदा के बावजूद राज्य के अधिकांश नेताओं, मंत्रियों, सांसदों और राज्य के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। उत्तराखंड में एक के बाद एक नेता आए दिन दिल्ली में, कभी पीएम मोदी और कभी अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। राज्य में कैबिनेट विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चाओं के बीच तमाम नेताओं की दिल्ली दौड़ ने राजनीति बयानबाजी को तेज कर दिया है। कांग्रेस एक ओर, जहां नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही राजनीतिक अस्थिरता और वर्चस्व की लड़ाई की बात कह रहा है। हालांकि भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए सभी नेताओं के दिल्ली दौरे के पीछे राज्य के विकास और जनकल्याण को वजह बताया है। वहीं भाजपा के नेताओं के दिल्ली दौरे के बीच उत्तराखंड कांग्रेस के भी कई वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली दौड़ शुरू हो गई है। दरअसल राज्य में जल्द ही निकाय और केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं। इसके लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक बुलाई गई। बैठक में आगामी रणनीति पर मंथन किया गया। सवाल यह है कि नेताओं की दिल्ली दौड़ क्या सामान्य घटना है या नहीं, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में दिग्गज नेताओं की दिल्ली दौड़ ने राज्य के सियासी पारे को गर्मा दिया है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ ही तमाम कैबिनेट मंत्री और सांसद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के साथ ही पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। भाजपा नेताओं की दिल्ली के दौरे के बाद राज्य में सियासी पारा भी गर्मा गया है। कांग्रेस एक ओर, जहां इन मुलाकातों के पीछे नेतृत्व परिवर्तन के साथ ही राजनीतिक अस्थिरता और वर्चस्व की लड़ाई की बात कर रहा है, तो वहीं भाजपा कांग्रेस इन आरोपों पर पलटवार करते हुए सभी नेताओं के दिल्ली दौरे के पीछे राज्य के विकास और जन कल्याण को वजह बता रहा है। आप इसको सामान्य मानो, कुछ भी मानो, ये तो वर्चस्व की लड़ाई है। आप देख रहे हैं रोज एक न एक नेता प्रधानमंत्री के यहाँ फोटो खिंचवा रहा है, राजनाथ सिंह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा रहा है, वो सब आपके सामने दे रहा है, अखबारों में छपवा रहे हैं। पहले दिन दिल्ली की खबर आती है, दूसरे दिन देहरादून में छपवा रहे हैं, तो क्या है ये? ये हर व्यक्ति अपने को प्रधानमंत्री के नज़दीक दिखाना चाह रहा है या केंद्रीय नेतृत्व के नज़दीक दिखाना चाह रहा है। और पता नहीं मुख्यमंत्री को क्यों डरा रहे हैं, किस तरह डरा रहे हैं, कितनी अस्थिरता है, क्या स्थिरता है, ये राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का एक तरीका है मुझे जहाँ तक लगता है। और ये है वर्चस्व की लड़ाई कि मुख्यमंत्री को डराओ और ये कहो कि मेरा भी अप्रोच है, तेरी नहीं है, अकेला तू ही नहीं है, मैं भी हूँ। इसलिए अब आप समझ सकते हैं बाकी क्या हो सकता है, तो केवल वर्चस्व की लड़ाई। तो कांग्रेस क्या करेगी दिल्ली जाके? जनता ने उन्हें नकार दिया है, उन्हें आराम दिया है, वो आराम करे अपने आराम से। दिल्ली तो हम ही जाएंगे ना, जिनकी सरकार है, जिनका काम है, जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वही तो दिल्ली जाएंगे। वो केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे, अपने विभाग के मंत्रियों से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, संबंधित मंत्री अपने मंत्री से मिले। जनता का जनादेश हमको मिला है। तीसरी बात, मोदी सरकार बनी है, नए मंत्री बने हैं, उनसे विस्तार से चर्चा हो रही है, इसमें कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपको बता दें कि दिल्ली दौरे में सिर्फ भाजपा के नेता ही नहीं बल्कि कांग्रेस नेताओं की भी दिल्ली दौड़ अब शुरू हो गई है। उत्तराखंड में जल्द होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने पार्टी नेताओं की दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक में कांग्रेस प्रभारी ने पार्टी के सभी नेताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया है, सभी बड़े नेताओं की फीडबैक भी लिया है। कुमारी शैलजा ने कहा, केदारनाथ उपचुनाव में भी बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव के नतीजे दोहराने को अभी से कमर कस ली जाए। कांग्रेस की आदरणीय प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी ने कल दिल्ली में प्रदेश के शीर्ष नेताओं के साथ एक बैठक की और बैठक का मुख्य उद्देश्य था जो केदारनाथ का उपचुनाव है, जो आने वाले नगर निकायों के चुनाव हैं, जो आने वाले पंचायतों के चुनाव हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी की एक व्यापक रणनीति बने जिससे चुनाव में कांग्रेस पार्टी का परचम लहरा सके, क्योंकि ये 2017
27 के चुनाव की बुनियाद भी तय करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी किसी भी चुनाव को अब हल्के में नहीं लेना चाहती, सभी चुनाव को गंभीरता से पार्टी लड़े, इसी के लिए वरिष्ठ नेताओं के साथ आदरणीय प्रदेश प्रभारी ने चिंतन मंथन किया, आवश्यक दिशा निर्देश दिए और इस पर व्यापक रणनीति बनाने के लिए 12 तारीख को फिर से जो है सभी शीर्ष नेता और हमारे जो चुने हुए विधायक हैं सभी बैठेंगे और आगामी रणनीति भी फिर से बनेगी। देखिए निसंदेह कांग्रेस अपना मंथन कर रही है और करे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से पांचों लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई है और दोबारा धामी जी ने सरकार बनाई है, तो मुझे लगता है कि उनको मंथन ज़्यादा करने की आवश्यकता है चुनाव के परिप्रेक्ष में या पार्टी संगठन के परिप्रेक्ष में, पर उनको थोड़ा सा मंथन अपने ऊपर भी करना चाहिए। जो अभी यात्रा के दौरान देखने को मिला, जितने भी हमारे नेता थे कांग्रेस के, तमाम सब एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकने का काम करें, तो मुझे लगता है इस पर भी मंथन होना चाहिए और कांग्रेस को इस वक्त जनता की बातों को उठाना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए, ना कि किसी और के ऊपर, सरकार के ऊपर जो है गलत तरीके की टीका टिप्पणी करके। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस अपना मंथन करी तो बहुत अच्छी बात है, और कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है कांग्रेस में, इस चीज़ पर भी शायद उनका मंथन होगा। तो मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता ने जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया है, तो उसी की बौखलाहट अब कांग्रेस के अंदर है, और वो एक तुक्के से 2 सीटें उपचुनाव में यहाँ से जीते हैं। मुझे लग रहा है कि उनको लगता है कि केदारनाथ भी शायद वो जीतेंगे, तो पर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जनता ने देने का काम किया, केदारनाथ भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में पहुंचने वाली है, और मंथन करती रहे कांग्रेस, जनादेश तो भारतीय जनता पार्टी को दिया है प्रदेश की जनता ने। कुल मिलाकर मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की खबरों के बीच राज्य में भाजपा के नेताओं के दिल्ली दौरे से शुरू हो गए हैं। निश्चित ही इन मुलाकातों को सामान्य मुलाकात तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा के नेताओं की ये मुलाकात राज्य में राजनीतिक अस्थिरता और वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है, या फिर राज्य का विकास इसकी वजह है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। हाँ, तो दिल्ली दौर जो है वो जारी है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, जहाँ कांग्रेस ने एक और उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है, चाहे वो केदारनाथ का उपचुनाव हो या फिर नगर निकाय चुनाव हो, उसकी तैयारी कांग्रेस द्वारा की जा रही है। तो वहीं बीजेपी के जिस तरीके से दिग्गज नेता लगातार दिल्ली की दौड़ कर रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि राजनीति का स्थिरता जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। हर कोई धामी जी को डराना चाहता है और ये बताना चाहता है कि सिर्फ आपके ही संबंध अच्छे नहीं है, हम भी दिल्ली जाते हैं, वहां पर भी हम नेताओं से और प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं। तो इस तरीके की बातें कांग्रेस द्वारा की जा रही है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संजय वर्मा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मंजू त्रिपाठी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दीपक रावत जी केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रतन मणि डोभाल जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शुरुआत मंजू जी आपसे करते हैं, क्योंकि बड़ी स्थिति स्पष्ट है कांग्रेस की कि कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुट गई है, और जाहिर है कि कांग्रेस काफी गंभीरता के साथ चुनावों को लेकर जो है वो चर्चा कर रही है, मंथन कर रही है इस पर। और जो दिल्ली में जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं उपचुनाव को लेकर या फिर नगर निकाय चुनाव को लेकर, तैयारियां कांग्रेस की जो है वो नजर आ रही हैं कि कांग्रेस इस बार काफी गंभीर है चुनावों को लेकर, क्या कहना है इस पर? देखिए बिल्कुल, अभी उपचुनाव में दोनों सीट में अभी इनके प्रवक्ता जी कह रही थी कि जो है तुक्के से, मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि तुक्के से भाजपा सीट जीतती होगी, कांग्रेस तुक्के से सीट नहीं जीतती है। तो जो है वही है ना कि सच्चाई मुंह पे आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल इस समय कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता और हमारी जो आदरणीय प्रभारी जी हैं कुमारी शैलजा जी ने जो मीटिंग बुलाई है, उसमें क्या आगे के चुनाव में और इससे अच्छा बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जो वहां पर इनकी तरह हम लोग, कांग्रेस जो रणनीति बनाती है इनकी तरह रणनीति नहीं बनाती है कांग्रेस, क्योंकि मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कि दिखा रहे हैं बार बार दिल्ली जाके कि अरे भाई धामी जी आप ही प्रधानमंत्री को नहीं जानते, मैं भी जानता हूँ, इस तरह का काम कांग्रेस नहीं करी। हमारी प्रभारी जी ने मीटिंग बुलाई है प्रॉपर, उस मीटिंग में सब भाग ले रहे हैं, और लोकसभा चुनाव में हमसे क्या कमियां रह गई जिससे उस पर चर्चा हो रही है, और किस तरह से हमने ये 2 चुनाव जीते तो उसको और बेहतर बनाने के लिए निकाय चुनाव आ रहे हैं, और इस केदारनाथ पर जो चुनाव होना है उन सब के लिए प्रॉपर तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, और इस तरह से सभी वरिष्ठ नेता जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है सभी लोग उस मीटिंग में शामिल थे, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए निकाय चुनाव की जहां तक बात है, ये निकाय चुनाव से डरे और सहमे हुए हैं,
क्योंकि बिना विकास तो किया नहीं, विनाश ही विनाश किया है। अभी आपने आज के पेपर में निजी देखिएगा कि इन्हीं की एक पार्षद ने स्टेटमेंट दिया है कि ठेकेदार हमारी कुछ सुनते ही नहीं है, गलत सलग तरीके से ऐसे ही चिपका देते हैं, टाइल्स चिपका देते हैं जो 2 दिन में उखड़ जाता है। ये मैं इनके भाजपा के ही एक पार्षद का आज स्टेटमेंट है, आप जो है देख सकती हैं। तो इस तरह से सच्चाई मुंह पे आ रही है, लोग त्रस्त हो चुके हैं भाजपा कि इनकी जो चाल चरित चेहरा है सब बिल्कुल अलग है। तो उससे जो है जनता त्रस्त हो चुकी है, उसी से ये अंदेशा इनको भी हो गया है, इसीलिए ये लोग वो दौड़ लगा रहे हैं दिल्ली का। अगर भाई आपने विकास किया होता तो इस तरह से आपको साबित करने के वर्चस्व की लड़ाई नहीं करते हुए दिखाई देते कि मैं क्या बोलते हैं, मैं भी उनको जानता हूँ, इनसे मिल रहा हूँ, ये कहने की आपको जरूरत है कि जनता आपको जवाब। लेकिन विकास नहीं किया, निकाय चुनाव भी टाल दिया गया। तो इस तरह से ये घबराई और परेशान जो है भाजपा इस समय दिखने मिला, और सब लोग ये मिलके चले मुख्यमंत्री को नीचा दिखाने के लिए, ये लोग इस तरह से वहां रड़ पैदा कर रहे हैं कि किसी तरह से मुख्यमंत्री की जो है चलो इलेक्शन से पहले 2027 से पहले इनको हटा दिया जाए, कोई और अपनी रोटी सेक ले, इस तरह की दौड़ ये लोग लगा रहे। चलिए, ये तो कांग्रेस का मंथन है, जरा संजीव जी से भी जानते हैं। संजीव जी, क्या राजनीतिक अस्थिरता है बीजेपी में? क्या धामी जी को हटाने की पूरी पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है? ये दिल्ली दौड़ के मायने क्या है? अनम्यूट कीजिएगा। आवाज मिल रही है मेरी? जैसे जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी संजीव जी, अपनी बात को पूरा करिए। यशी जी, देखिए दिल्ली दौड़ के का मायने और दिल्ली दौड़ का मकसद है केवल विकास, विकास और केवल विकास। और हमारे जितने भी नेता, चाहे कृषि मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे हमारे सड़क मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, चाहे यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना, उनके उसके लिए बड़े बजट वहां से एलोकेट करवाना केंद्र से, और तमाम मेडिकल कॉलेजेस में बेहतर से बेहतर हम सुविधाएं कैसे दे सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर का हम और ज्यादा डेवलपमेंट कैसे करवा सकते हैं, कैसे हम जो साइबर क्राइम है उसको पूर्ण रूप से नेस्तनाबूद कर सकते हैं, और उसके लिए उत्तराखंड कैसे एक रोल मॉडल की भूमिका में आए और एक मॉडल प्रदेश बने पूरे पूरा देश पर उत्तराखंड की ओर इस दृष्टि से देख रहा है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है विजन 2025, यानी कि 2025 में उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाना है, और उसी दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आप ये देखिएगा, चाहे हम हरिद्वार के जो रिंग रोड की बात है, चाहे देहरादून के रिंग रोड की बात है, चाहे तमाम जो एक्सप्रेस हाईवेज पर लगातार काम चल रहा है। अभी आज ही की खबर है कि जो हमारा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना है उसमें 22 जो टनल्स हैं वो पूरी पूरी आर पार हो गई हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि के रूप में हम लोग इसको देख रहे हैं, और हमारे जितने भी नेता दिल्ली जा रहे हैं अपने अपने विभागों के लिए बड़े बजट एलोकेट कराने के लिए, अपने अपने विभागों की के बारे में बताने के लिए कि हमारा विभाग उत्तराखंड की बेहतरी के लिए, उत्तराखंड के उच्चीकरण के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए यही काम कर रहा है, और हम ये काम और करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो संबंधित मंत्री हैं, संबंध केंद्र सरकार के, उनसे अपने विभागों से संबंधित मिल रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को भी अपने देश के, अपने प्रदेश के विकास के जो एक रूपरेखा है, जो खाका है, उनके सामने रख रहे हैं, और उनका आशीर्वाद जो लगातार उत्तराखंड को मिलता रहा है, और ज्यादा आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो उसके लिए एक अच्छा एक रोड मैप लेकर तमाम नेता जा रहे हैं आगे। अभी आप ये देखिएगा, बहुत निकट भविष्य में हमारे उपचुनाव होने जा रहे हैं केदारनाथ का, और निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, तमाम सहकारिता के चुनाव हैं, और जिला पंचायतों के चुनाव हैं।
जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अभी संजीव जी वापस आएंगे इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए जो लाजर होते हैं और बात कर रहे हैं नेताओं की दौड़ दिल्ली में हो रही, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और फोटोज जो सामने आ रही है उसको लेकर कांग्रेस कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आज हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं, दीपक रावत जी का रुख कर लेते हैं। दीपक जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इसको लेकर, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि अस्थिरता है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी को डराने की कोशिश की जा रही है। देखिए याशी जी, इतिहास रहा है इस प्रदेश का कि किसी भी मुख्यमंत्री 5 वर्ष पूरे नहीं करे और दुर्भाग्य रहा है हमारे मुख्यमंत्री जी का कि दूसरे ही वर्ष में उनको दो जो उपचुनाव हुए हमारे यहाँ, इतिहास है कि दो उपचुनाव में जो राजनीति पार्टी है वो हारी नहीं है, दो बार हारी है, एक बार यूपीडी ने हराया है और दूसरी बार कांग्रेस ने हराया है सत्ता पक्ष को जब से प्रदेश बना है। तो इस कड़ी में जो ये दो बद्रीनाथ सीट और मंगलौर की सीट हारी है उसका बहुत बड़ा असर हुआ है, तब से ये गुटबाजी बिल्कुल सत्ता पे आ गई है, जो अंदर थी अंदर खाने हुआ करती थी सत्ता पे आ गई है। और इसका जो प्रमाण अगर आपको देखना हो तो समीक्षा बैठक में जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जिस तरीके से सरकार के ऊपर और जो टिकटों को बंटवारा है उसके चयन के ऊपर जिस प्रकार से प्रश्न चिन्ह किया था, ये उसी टाइम समझ में आ गया था कि सब कुछ सामान्य नहीं है। रही बात जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के दौरे लग रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने दिखाया था कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नाग पंचमी के दिन पुरस्कार बांट रहे थे, जिनकी कुश्ती में जिनको जिन प्रतियोगिता में फर्स्ट जिनको पदक मिले हैं, जो जिन्होंने स्थान प्राप्त किए हैं, उसी वही जो कुश्ती नूरा कुश्ती भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश में हो रही है उसी के लिए ये दिल्ली जा रहे हैं यहाँ के नेता। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और इनके नेता क्या कह रहे हैं कि यहाँ के विकास के लिए जा रहे हैं। अरे यहाँ के विकास के लिए जाना है तो आपने जब बजट था तो बजट में आपने मांग ली तो मांग तो लिया, केंद्र सरकार ने बजट में आपको जो देना था दे दिया, वो भी खाली हाथ आपको भेजा है वहां से। अब आप यहाँ पर कह रहे हैं यहाँ पर जो आपदा आ रखी है, एक ही बात मानिए ना, या तो भारतीय जनता पार्टी के ये बात मान के चलिए, कह दीजिए मुख्यमंत्री जी ये सारे नेता कि प्रदेश इस टाइम आपदा का सामना नहीं कर रहा है, प्रदेश बिल्कुल किसी भी प्रकार के आपदा का सामना नहीं कर रहा है, केदारनाथ में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है, जो सबसे पहले भूस्खलन हुआ बूढ़े केदार में वहां सब कुछ सामान्य चल रहा है। ये सारी चीजें अगर सही सामान्य चल रही हैं तो दिल्ली द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वहां पर ये विकास के लिए जा रहे हैं, अपने अपने विभागों की वहां पर रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, तो यासी जी आप मुझे बताइए मुख्यमंत्री को अपने अपने विभाग की रिपोर्ट पेश करनी है या प्रधानमंत्री जी को, आप ये बताइए प्रधानमंत्री जी को पेश कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री को ये अपना नेता मानते ही नहीं है, तभी तो दिल्ली दरबार के जो हजूर जो कहते हैं एक तरीके से जी हजूरी करने में लगे हुए हैं। यदि मुख्यमंत्री को अपना शीर्ष नेतृत्व तो माना गया होता तो अपने विभागों की जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री को देते और मुख्यमंत्री के थ्रू वो प्रधानमंत्री जी के पास जाती, लेकिन अपना ही अगर अपने को ही महत्व देना हो, संगठन से ऊपर दिखाना हो या जो नेतृत्व है उससे ऊपर दिखाना हो, तो ऐसी परिस्थिति का जो सामना है भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा है और ये मानने को तैयार नहीं हो रहे। सब कुछ सामान्य नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में सर फुटबॉल शुरू हो चुकी है, शीर्ष नेतृत्व में दोबारा से कुछ ना कुछ उथल पुथल होने वाली है। और यासी जी दो उपचुनाव हो चुके हैं, केदारनाथ इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी अगर हार गई तो आप निश्चित रूप समझ लीजिए प्रदेश में बदलाव संभव है। और सबसे बड़ा दुख जो है वो ये है कि 2 साल हो गए जो धाकड़ धामी जी है ना, तो वो अपना कैबिनेट विस्तार कर पा रहे हैं, समझ में नहीं आता इस यहाँ पर, या तो कैबिनेट ये जो विचार जो रिक्त पद है उसकी जरूरत इस प्रदेश को है ही नहीं, और ना ही जो ये गुटबाजी चल रही है उसको रोक पा रहे हैं, और ना ही अपने साथ जो उनका आपदा प्रबंधन है उसमें अपने साथ सारे वरिष्ठ मंत्रियों को अपने पीछे लगाना या अपने साथ में रखकर एक संदेश देना ना ये कर पा रहे हैं। तो आप बताइए कि धाकड़ धामी जी के जो धाकड़ धामी हमारे खुद की पार्टी में क्या हो रहा है, ये जिसको ना पता हो वो बीजेपी में क्या हो रहा है ये कैसे पता चलेगा, या आप बताएंगे या कांग्रेस बताएगी, क्योंकि अपनी अपनी पार्टियों का तो पता नहीं ना कि उसमें क्या हो रहा है। अभी मैं कह दूं कांग्रेस में अंदरूनी कलह चल रही है तो मंजू जी तुरंत कह देंगे नहीं ऐसा तो नहीं है। अभी मैं आपसे कह दूं कि यूकेडी में अंदरूनी कलह चल रही है तो आप तुरंत कह देंगे नहीं ऐसा तो नहीं है।
अपनी पार्टी का नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन बीजेपी में क्या चल रहा है ये बखूबी पता है। यासी जी सत्ता में कौन है इस टाइम? यशी जी कांग्रेस में क्या चल रहा है वो तो ये बताएंगे, यूके क्या चल रहा है उसके लिए दीपक जी बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में विकास का रथ बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। संजीव जी विकास के रथ पर भी आएंगे, विकास के रथ पर भी आते हैं, खुश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि विकास के रथ के जो पहिए हैं वो जमीन में धस चुके हैं, सड़कों में कहीं गुम हो गए, दिखाई नहीं पड़ रहा है स्मार्ट सिटी में। वापस आते हैं रतन मणि ठोपाल जी का रुख कर लेते हैं, माफी चाहूंगी रतन मणि जी काफी देरी से आपके पास आ रही हूं मैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये जो कहा जा रहा है संतोष की स्थिति है, अस्थिरता जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, मुख्यमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, और चूंकि इतिहास भी गवा रहा है उत्तराखंड में कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया एक दो लोगों को छोड़कर, तो कहीं ना कहीं ये अब क्या ऐसे कयास लगाए जाना संभव है या ये महज बातें हैं? यशी जी रतन मणि जी से ये सवाल है मेरा, संजीव जी रुकिए जरा। अच्छा शशि जी आप, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और क्योंकि पार्टियों के अंदर हो या ना हो हम कहते तो हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था होती तो धामी जी को विधायक दल नेता चुनता, नेता तो वो दिल्ली से चुन के आए थे, यहाँ से वो मुख्यमंत्री बन गए, तो वो बात ठीक है, लेकिन जो लोग दिल्ली जा रहे हैं एक तो अपना ये इस मंत्रिमंडल में बहुत सारे मंत्रियों पर इतने करप्शन के आरोप हैं वो, और लोग चिट्ठियां भेज रहे हैं, कुछ इनके लोग भी भेज रहे हैं कि साहब यहाँ यहाँ ये सब हो रहा है, आप तो कह भी रहे हो जो कोश्यारी जैसे जो लोग बुजुर्ग नेता जो राज्यपाल रहे हैं मुख्यमंत्री रहे हैं वो तक ये बात कह रहे हैं, तो ये बहुत से तो इनके क्लास भी लग रही है वहाँ की, भाई ये क्या हो रहा है, उसकी भी जवाबदेही उनको करनी पड़ रही है, वो जा रहे हैं वहां पर। लेकिन ये सही है कि उत्तराखंड में अभी तक धामी सरकार पूरी सरकार बनी नहीं है, अधूरी सरकार है, उसके कैबिनेट के पद रिक्त पड़े 4 जो पद हैं, और जिन 4 लोगों को जो विधायक चुने गए, हर विधायक चाहता है कि वो मंत्री बने मुख्यमंत्री बने, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपने वो जो 4 पद रिक्त भी पड़े हैं उससे क्या हो रहा है, हमको लगता है कि नहीं कोई वो नहीं फजूल, इससे सरकार एक एक आदमी मंत्री के पास कई कई विभाग चल रहे हैं, और वो कई कई विभाग में वो जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपना खेल खेल रही है, मंत्रियों को उतना समय नहीं है, जो जहां वो बाबूजी जाते हैं वो वहां पर उंगली लगा देते हैं, वहां पर वो चिड़िया बैठ के आ जाते हैं, उसमें लिखा क्या है वो उसको पढ़ने की भी फुर्सत नहीं है, जहां तक ये स्थिति आ रही है। और ऐसे में उसमें जो विकास की भाई बात कर रहे हैं, बहुत विकास कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं विकास नहीं कर रहे हैं आप, विनाश कर रहे हैं उत्तराखंड का, इतना जो आप जिस पर ढोल बजाते हैं ऑल वेदर रोड, कोई बताइए कि किसी वेदर में चली है वो रोड, और कितने लोगों की किस तरीके से वो चल रही है, आप जब आपके रोड नहीं खोल पा रहे तो आप हेली सेवा कर रहे हैं और उसमें 25% उसमें कटौती कर रहे हैं किराए में, आम लोगों के लिए तो आप किराया भी बढ़ा रहे हैं, महंगाई भी बढ़ा रहे हैं, प्याज भी बढ़ा रहे हैं, सब चीज के दाम बढ़ा रहे हैं, और जो हेलीकॉप्टर से वहां जाने वाले हैं कि उनके आस्था के साथ उनको 25% की आप छूट दे रहे हैं, तो आप किसके हित में काम कर रहे हैं, उत्तराखंड के हित में काम कर रहे हैं या कुछ लोगों के हित में काम कर रहे हैं? इतनी भयावह स्थिति है, कोई एक काम आप बताइए कि रोजगार तमाम युवा जो अभी आपने जो भर्ती की थी वो नर्सिंग भर्ती में उसी में आपने फर्जी भर्ती कर दी, ये तो चीज सरकार ही कह रही है, हम नहीं कह रहे, सरकार जांच भी करा रही है उसकी कि किस तरीके से यहाँ पर एक गैंग इकट्ठा हो गया जो उत्तराखंड के नाम से अस्थाई प्रमाण पत्र बना रहा है, जो बाहर के लोग दो तो उन्होंने निकाल ही दिया, 6 की और की जांच भी चल रही है, और इस तरीके से ये हर जिलों में हो रहा है, और एक रैकेट बन गया है कि जो कहीं से भी आए वो अपना पैसा देता है, और ये पटवारी वगैरह सारे मिलके जो दलाल हैं बीच के वो बना रहे हैं, सारे वो जो समूह गौ की और चतुर्थ ये सारे जॉब भी बाहर के लोगों को जा रहे हैं, जबकि हर प्रदेश में, कोई उत्तराखंड की अलग मांग नहीं है, वो पूरे प्रदेश देश में जो राज्य हैं समूह गौ और ये जो सहकारी जो सीटें हैं वो राज्यों के लोगों के लिए होती हैं, उस पर डाका डाला जा रहा है, और ये
सरकार चुपचाप बैठ रही है, जब उसमें नहीं देख रही है, और ये विकास की ढोल बजा रहे हैं। अरे जो कुछ भी कर रहा है केंद्र सरकार कर रहा है, उसमें आपका क्या योगदान है? आप कोई सुनवाई वहां पर हो रही है? जब आप सुनवाई तब होगी जब आपके पास कोई विकास का कोई एजेंडा होगा कि सब हमारे विजन के हिसाब से उत्तराखंड में ये विकास का हम चाहते हैं कि ये हो और इस पर केंद्र मदद करे। आप कब से चला रहे हैं ये? आप अभी विजन की बात आई, रमेश पोखरियाल 2012 में मुख्यमंत्री थे, तब हमें एक चार्ट दिया गया कि विजन 2020 हम करेंगे। कहाँ गया वो 2020? किसी उसका पता नहीं चला। और जो कुछ भी केंद्र कर रहा है, चाहे वो सड़क बना रहा है, चाहे वो नाली बना रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, ये वहां खड़े हो जाते हैं कि साहब ये काम तो हम कर रहे हैं। आप अपना काम बताइए ना, राज्य सरकार क्या काम कर रही है प्रदेश के लिए, रोजगार सर्जित करने के लिए क्या काम कर रही है? आपके पास जितनी वैकेंसी है उनकी भर्ती करने के लिए आप क्या काम कर रहे हैं? जो कोई आपने किया था वो भी मिट्टी मिला दिया। ये एक दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ। संजीव जी से, रतनमणि जी से जवाब ले लेते हैं। संजीव जी जवाब दीजिए। यशी जी देखिए, हमारे माननीय वरिष्ठ पत्रकार जी भी मैं सोचता हूँ कांग्रेस से कुछ ज्यादा ही प्रेरित हैं और उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। एक तरह से कांग्रेस के सह प्रवक्ता की भूमिका में है। खैर जो भी है, आपका जो विचार है वो आपके साथ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रही है और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार प्रयासरत हैं, जिनका एक ही विजन है उत्तराखंड के कोने कोने का विकास हो, और इसी के लिए राजनीति से ऊपर उठते हुए अभी विगत दिनों उन्होंने 70 के 70 विधायकों को बुलवाकर एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा कि अपने अपने क्षेत्र की 5-5 बड़ी योजना परियोजनाएं लेके आए, जिससे उनके क्षेत्र का भी एक समग्र विकास हो, यानी कि वो उत्तराखंड के कोने कोने का विकास चाहते हैं और राजनीति से ऊपर उठते हुए, ये नहीं कि वो कोई कांग्रेस का विधायक है तो उसको कम मिलेगा और भाजपा का है तो उसको ज्यादा मिलेगा, ऐसा भी कुछ नहीं। तो एक बिल्कुल एक समान। संजीव जी पहले तो ये बताइए क्यों नहीं हो रहा कैबिनेट का विस्तार? एक एक आदमी के पास इतने इतने विभाग क्यों है? जो उनके पास एक रहता है वो उनको ही नहीं ठीक से देख पाते हैं, आप और दो दो तीन तीन उनको लादे दे रहे हैं। इतना भार लेके कहाँ जाएंगे मंत्री? हमारे थके जा रहे बेचारे, काम नहीं हो रहा उनसे। ये देखिए, आपकी ये जो आपने कैबिनेट विस्तार की बात करी, बहुत जल्दी ये भी होगा और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जब वो उचित समय देखेंगे कैबिनेट विस्तार भी होगा। और हमारी सरकार बहुत बेहतरी के साथ अपना काम कर रही है। आप किसी भी क्षेत्र में आप तो आप कह रहे हैं ना बेहतरी का काम कर रही है, सड़कों का हाल तो आपको पता है, कहाँ रहते हैं आप? देहरादून में अगर आप रहते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि क्या स्थिति है देहरादून की। अब सोचिए दून की अगर ये स्थिति है तो पूरे जो पहाड़ी क्षेत्र है और जो आगे के क्षेत्र है उनके क्या हाल हो रहे होंगे। यशी जी देखिए, बरसात का मौसम होता है, बरसात के मौसम में तो जो हाल है वो तो है ही। संजीव जी बिना बरसात के भी वो बरसात जैसे ही हाल है। बिल्कुल नहीं है, ये ऐसा कांग्रेस बोलती है, धरातल पे सब कुछ चकाचक है। तो कुछ भी हो कांग्रेस के दिल पे रख दो, रतनमणि जी कुछ कह रहे थे। रतनमणि जी अपनी बात को पूरा करिए जरा। संजीव जी थोड़ा सा रुकिएगा, रतनमणि जी को सुन लीजिए एक मिनट। रतनमणि जी कुछ किया मंजू जी बोलते रहे और संविधान के संजीव जी तंत्र की बात करते हैं। संजीव जी सुन रहे हैं क्या? एक मिनट रतनमणि जी को सुन लीजिए, उसके बाद वापस आप अपना जवाब दीजिएगा। रतनमणि जी मैं देखिए कि
मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो हम भोग रहे हैं वो सब कह रहे हैं और वो सारा प्रदेश के लोग उसको भोग रहे हैं। कितने त्रासदियां हो रही हैं और इन्होंने क्या शॉर्टकट एक रास्ता अपना लिया, ये तो प्राकृतिक आपदाएं, इनसे कोई नहीं, ये तो पहले भी होती थी आपदाएं, लेकिन जो जिस ढंग से अब ये हो रही है उसको भी आप प्रकृति को थोप रहे हैं। ये थोपने वाला काम नहीं है, ये आपके जो विकास के विनाश के जो योजनाएं आप लेके चल रहे हैं ये उसकी देन हो रही है। ये सारी आता है उसको कोई माने और कोई जिम्मेदार नहीं है उसके लिए। दोबारा विकास नहीं होना चाहिए, आप बताएं पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। रतनमणि जी रुकिए एक सेकंड, रुकिए आप संजीव जी, मंजू जी रुक जाएंगी दो मिनट, संजीव जी सुनिए, संजीव जी सुन लीजिए मैं क्या कह रही हूँ, पहले दो मिनट सुन लीजिए फिर आप अपना वक्तव्य रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सुन लीजिए पहले। कांग्रेस की तरह आप भी विकास नहीं, संजीव जी आपके विकास से समस्या नहीं, समझिए पहले संजीव जी इसको समझिए। पर्यावरणविद भी यही बात कहते हैं, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, पर्यावरणविद को बैठा चुके हैं और वो कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि देखिए विकास आप नहीं खत्म कर सकते क्योंकि विकास जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन आप अगर 100 पेड़ काटते हैं तो कम से कम 2000 लगाइए तो, और आप लगाते भी हैं तो आप उनका संरक्षण नहीं करते, आपको कोई मतलब ही नहीं है कि पौधे लगे हैं नहीं लगे, पानी पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा, कोई लेना देना नहीं है। प्रॉब्लम यहां है, आप अगर विकास करना चाहते हैं, आपकी मंशा इतनी साफ है तो कम से कम पर्यावरण को तो ठीक रखिए। पर्यावरण को बचाने का भी हम काम कर रहे हैं, साथ ही साथ विकास भी साथ साथ चले और पर्यावरण की रक्षा भी हो, हम दोनों दिखाई तो दे रहे दोनों पथ पर एक साथ, दोनों पथ पर हम लोग एक साथ चल रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर हम, मैं कंपैरेटिव उसमें बात कर रहा हूँ, हम लोग तो लगातार विकास की भी राह पर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, पर्यावरण का संरक्षण भी साथ साथ कर रहे हैं, किंतु जब कांग्रेस की सरकार थी इनका तो एकमात्र मोटो था पैसा कमाओ नोट बनाओ और इसीलिए इनके मुख्यमंत्री कैमरे के सामने बोलते थे 5-5-7-7 करोड़ रुपए कमा लो और मैं आके बोल लूंगा। तो ये भ्रष्टाचार, उनका भ्रष्टाचार मॉडल चलता था, हमारा विकास मॉडल चलता है और हमारा विकास मॉडल को देख के कांग्रेस के सीने पर कलेजे, कांग्रेस के कलेजे पर सांप लौटते हैं विकास को देखकर, विकास को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। अरे वो तो कहां बर्दाश्त कर रहे हैं, अरे आपने तो प्रदेश को भी लूटा है, आपने देश को भी लूटा है, आपके मामा कॉकरोची तो यहाँ पे, जो हथियारों की दलाली करते थे, जो अगस्ता वेस्टलैंड की दलाली करते थे, जो 2G घोटाला करते थे, जो कोयला घोटाला करते थे, कॉमनवेल्थ घोटाला करते थे, जो जीप घोटाला करते थे, मुख्यमंत्री की तरह जो DLF घोटाला करते थे, जीजा जी जो, अरे जीजा जी जो DLF घोटाले में, रुक जाइए ये कोई तरीका नहीं है डिबेट करने का, प्लीज। संजीव जी और मंजू त्रिपाठी जी प्लीज रुकिए, मंजू त्रिपाठी जी और संजीव जी आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज बोथ ऑफ यू, यशी जी ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनके साथ विकास नहीं बताइए क्या किया, वही कांग्रेस पार्टी कोई मुद्दा नहीं, और वरिष्ठ नेता, यहाँ पर ये बोलते हैं कि बांग्लादेश मॉडल भारत में भी होने वाला है, बांग्लादेश मॉडल की आवश्यकता भारत में है, इतने लीला जितने गिरे हुए लोग
शर्म आनी चाहिए आपको, डूब मरना चाहिए, डूब मरिए, डूब मरिए जाके कहीं, डूब मरिए आप चुल्लू भर पानी में। संजीव जी, व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये कौन सा कैसा वक्तव्य है आपका? आप लोग क्या है ये? संजीव जी देखिए, ये अच्छा तरीका नहीं है डिबेट पे बात करने का, और किसी भी महिला से खासकर। इतने कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी महिला विरोधी है, जब हमने तीन तलाक का एक प्रावधान लेकर आए, इन्होंने कहा हमारी सरकार आएगी तो हम तीन तलाक को दोबारा रिस्टोर कर देंगे, तीन तलाक को दोबारा रिस्टोर कर देंगे। कितनी बड़ी महिला विरोधी है ये, संजीव जी और मंजू जी, ये के न्यूज का मंच है, मछली मार्केट नहीं है। एक एक करके बात करिए प्लीज, मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट। दोनों लोगों को म्यूट करिए। कर पाए दीपक जी के विधायक ने क्या किया उसको? दीपक जी, मंजू जी, प्लीज, आपको, आप सुन रही है मुझे? आप सुन रही है मुझे दीपक रावत जी? हाँ यासी जी बोलिए, अपना वक्तव्य रखिए। यासी जी, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप अगर इन दोनों पार्टियों के खत्म हो गए हो तो जरा प्रदेश की भी सुध ले लें। देखिए, जिस तरीके से ये दोनों ही राजनीतिक पार्टियां जो केंद्र के केंद्र पर आश्रित रहती हैं और केंद्र की तरफ ही सारे अपने केंद्र के दिशा निर्देश के अनुसार ही इस राज्य में विकास की बात करते हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है इस प्रदेश की, क्योंकि यही सबसे बड़ी समस्या है कि अगर कुछ भी समस्या हो उसका निदान पाने के लिए ये स्वयं कोई कार्य नहीं करते हैं जब तक केंद्र से कोई आदेश ना आ जाए। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ भी है, ये कांग्रेस के साथ भी है, और उसी का खामियाजा अगर भुगतना पड़ा है तो वो प्रदेश की सरकार जनता को हो, जो यहाँ की सुदूर क्षेत्र में रहने वाली जनता है उसे भोगना पड़ता है। अभी भी देखिए, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, कहां से कहां लेकर इस प्रदेश की जो सुध लेने वाली बात है, जो सरकार को सुध लेनी चाहिए, उस पर कोई भी बात नहीं हो रही है। बहुत सारी कमियां है सरकार की, सरकार अगर अच्छा काम भी कर रही है तो सबको दिखता है, लेकिन कहीं पर गलत है और विपक्ष उसको प्रश्न करता है, प्रश्न भी अगर हम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यह तो कांग्रेस के साथ लगे हुए या फिर ये जो मिथ्या प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि बहुत सारी समस्या कि ये विपक्षी दलों को ऐसा क्यों लगता है कि वो जाकर वहां पर सिर्फ और सिर्फ धामी जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, क्या पता विकास की बात कर रहे हो, क्योंकि अंदर खाने में क्या चल रहा है ये तो आपको भी नहीं पता ना। आईने के प्रवक्ता ने कहा है कि वो अपने विभागों का जो है लेखा जोखा प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मैंने यही पूछा कि शीर्ष नेतृत्व कौन है कैबिनेट का? वो मुख्यमंत्री होता है, तो मुख्यमंत्री को लेखा जोखा पेश करना पड़ता है, प्रधानमंत्री को नहीं, प्रधानमंत्री अपनी जो उनके कैबिनेट है उनसे मांगेंगे राष्ट्रीय स्तर में। ये कौन सी उल्टी गंगा बहा रहे हैं आप? यही तो आशीष जी मैंने कहा, ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो अंदर का अंदरूनी कला है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अच्छी तरह बता पाएंगे, वो उसको छुपाने का, उसको ढकने का प्रयास किया जा रहा है प्रवक्ता महोदय द्वारा, और कुछ नहीं। लेकिन निश्चित रूप से इसका खामियाजा जो है यहाँ की जो प्रदेश जनता है, जो 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 ये विकास की बाट जो है बैठी है कि जो जो समस्या प्राकृतिक आपदा जो आई हुई है हमारे प्रदेश में, उसमें किस तरीके से उसको निदान मिले, किस तरीके से उसको एक राहत मिले, उस पर चर्चा करनी चाहिए, उस पर यहाँ के नेताओं को बात करनी चाहिए, यहाँ उनके पास जाना चाहिए। वनस्पत उसके ये दिल्ली के दौड़ लगाने में लगे हुए हैं, जितने भी लोग दिल्ली गए हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिले हैं, याशी जी आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, इनमें से कितने लोग वहां गए, जहाँ बूढ़े केदार में गए हो, इसमें कितने लोग हैं जो केदारनाथ घाटी में गए हो जहाँ आपदा ये है, आप बताइए ना, ये गए हैं क्या वहाँ, या मुख्यमंत्री के साथ गए हो तो ही बता दीजिए। चलिए, अगर इनको इतना समय नहीं मिल रहा हो तो ये तो जो चीज दिख रही है, जो चीज समझ में आ रही है, जनता को समझ में आ रहा है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और कहीं ना कहीं पर इसका जो खामियाजा है वो जनता को भुगतना पड़ रहा है, वो इस प्रदेश की जो मासूम जनता है जिन्होंने इसका प्रचम रतन मणि डोभाल जी। मैं एक बात तो मैं ये कहना चाह रहा था कि उसमें रह गया आपका दो विषय था, एक कांग्रेस का भी था, तो कांग्रेस को तो मैं छू भी नहीं पाया हूँ, तब तक भाई जी बीच में आ गए भाजपा वाले, तो मेरी बात अलग है। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस में ये लोकसभा चुनाव हारने के बाद निश्चित है कि उसके अंदर बहुत असंतोष है और नेतृत्व के खिलाफ बड़ा असंतोष है,
ये जाहिर सी बात है, हम रोजमर्रा के काम में उसको देख रहे हैं। उसके अभी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो टीम आई थी यहाँ पर पुनिया जी के नेतृत्व में और पाटिल के, उसमें उसने भी अपनी रिपोर्ट दी होगी और उसी में कदाता चल रही है कि इन सबको बुलाया जा रहा है कि आगे पंचायत के चुनाव है, निकाय के चुनाव है, केदारनाथ का चुनाव है और संगठनात्मक रूप से कैसे कांग्रेस को एकजुट रखा जाए। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि जो कांग्रेस के प्रभारी है वो तो खुद गुटबाजी कर रही है अपने प्रदेश हरियाणा में जहाँ चुनाव जा रहे हैं, वो हुड्डा अलग यात्राएं निकाल रहा है और वो अलग रैलियां निकाल रहे हैं। तो जो खुद जो प्रभारी खुद अनुशासन में नहीं है पार्टी के, वो किसी राज्य के नेताओं को कैसे अनुशासन में ला सकता है? वो तो उनको प्रेरणा देकर काम करना चाहिए। वो शैलजा तो वहाँ हरियाणा में अलग चल रही है, हुड्डा अलग चल रहे हैं और बयानबाजी खुल के चल रहे हैं, ऐसे भी नहीं है वो सब कर रहे हैं। तो ये सारी कांग्रेस की बीमारी है ये, और उस बीमारी को कौन कब दूर कर सकता है ये कुछ नहीं। लेकिन ये कांग्रेस के पॉजिटिव ये है कि उन्होंने दो विधानसभा चुनाव जीते हैं, अभी तो लोगों में उत्साह है कांग्रेस के प्रति। जो कांग्रेस के समर्थक लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं उनमें अब उस उत्साह को कैसे बनाए रखा जाए, ये अगर ये बनाए रखते हैं तो इनकी बड़ी उपलब्धि होगी वो। लेकिन इस लगता है कि मुझे लगता है कि जल्दी उसमें प्रदेश स्तर पर नेतृत्व का परिवर्तन का जो सुगुटार चल रही है वो धरातल पे कुछ समय बाद हमको देखने को मिल सकता है। और यही स्थिति हमारे धामी जी के साथ भी है, हालांकि उनका चूंकि वो सत्ता में है तो वो सत्ता पे सबके निशाने पे भी रहेंगे, हम भी रखते हैं, सब रखते हैं। तो उनका निकाय का पंचायत चुनाव भी है, मंत्रिमंडल विस्तार भी है और ये सब लोग अपने अपने गोटियां अपने अपने समर्थक होते हैं लोगों के कि इस बार अगर हो रहा है। रतन मणि जी, तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ फिलहाल क्या राजनीति में आगे बदलाव देखने को मिलते हैं या मंत्रिमंडल विस्तार ही होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे थे नेताओं में और दिल्ली दौड़, जिस तरीके से बीजेपी के कई नेता दिल्ली की दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे, तो वही कांग्रेस भी उपचुनाव को लेकर और नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार बैठके कर रहे हैं। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।